मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं आपको इस समय ग्वालियर में एक शादी में ले जा रहा हूं और मैं कोशिश करता हूं कि वो तमाम बदलाव जो हो रहे हैं समाज में उसको दिखाई। देखिए, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अब दीपो और गौतम एवं पोर्सिया परिवार पुण्योत्सव में पधारी हो अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। तो बुद्ध रीति रिवाज से शादी हो रही है, शानदार मंडप सजा हुआ है, तो आगे भी चलेंगे बताएंगे। अंजुल है मेरे साथ। अंजुल, ये एमपी में होता रहता है इस तरह के सांस्कृतिक बदलाव बहुत हुए हैं? हाँ, मैं जितने भी जगह पर जाता रहता हूँ शादियों में, हाँ। तो वहाँ पर आप देखोगे बाबा साहब और बुद्ध की फोटो जो है वो लगाकर बकायदा और काफी सुंदर तरीके से आप देखोगे। ये काफी, मतलब ऐसा नहीं कोई गरीब है, काफी हाँ। अच्छे रिच परिवार से होंगे हाँ। और यहाँ पे इतने गरीब तो बिल्कुल बुद्धिज्म से ही शादी करनी चाहिए, वो तो करता ही करता है, लेकिन ये चीज पहली बार आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे। चलिए अंदर भी चलेंगे और ये देखेंगे, बाबा साहब की तस्वीर है, तथागत बुद्ध की तस्वीर है और हम लोग अंदर आ गए हैं। अब ये शानदार डेकोरेशन है और बहुजन समाज कृतज्ञता प्रकट कर रहा है और इन लोगों ने मुझे भी बुलाया है, मैं दिल्ली से आया हूँ देखने के लिए किस तरह का बदलाव है और अंदर भी जाके देखूंगा, अगर पूजा पाठ हो रहा होगा तो भी बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा है। बैनर पोस्टर तो लगे हुए हैं। बाकी की शादियों में मैंने देखा है कि अमूमन महापुरुषों की तस्वीर लगी होती है, यहाँ वो नहीं है, लेकिन मेन गेट पर एक उन्होंने जो दुल्हा दुल्हन का जहाँ नाम छपा उसमें तो उन्होंने वो तस्वीरें लगाई है। चलिए, और भी कुछ खास चीज़ें मिलेंगी तो आपको दिखाऊंगा। बहुजन समाज के लोग जब बग्घी चढ़ते हैं, घोड़ी चढ़ते हैं, तो बहुत लोगों के सीने पर पत्थर चलता है और बहुत सारी घटनाएं सामने आती रहती है। ग्वालियर में बुद्ध रीति रिवाज की शादी हो रही है और ये है दूल्हे राजा और शानदार, मतलब राजा टाइप का फील होता है। और ये बग्घी है, ये जाति का एक विमर्श है और इसको तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। बहुजन समाज के लोग जो है वो घोड़े पर चल के शादी करने जा रहे हैं, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। थोड़ा भैया हाथ हटाना जरा, तो ये है घोड़ी पर चढ़ के शादी करने जा रहे हैं और घोड़ी पर चढ़ने के लिए बहुत बवाल होता है, मुंह रखने के लिए बवाल होता है। सामाजिक प्रक्रिया से समाज बदल रहा है, ये आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ग्वालियर में एक शादी है और तथागत बुद्ध की तस्वीर देखिए ये, और रिच फैमिली है और ये जो हाथी जो बहुजन समाज का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है, सम्राट अशोक का प्रतीक है, बुद्ध वंश का प्रतीक है उसको, और तथागत बुद्ध की तस्वीर है, इसी तो पर लड़के आए हैं और ये पीपल का पत्ता बना हुआ है। तो ये सामाजिक बदलाव है और ये बहुत कर्मकांड 2000 साल की गुलामी से निकलने का है, जो वैचारिक गुलामी है उसको बहुजन समाज के लोग तोड़ रहे हैं और खासकर शिडूल कास्ट के लोग तोड़ रहे हैं। अभी मेरे साथ ही डीएम ने भी इसी तरह से शादी की थी और इस तरह से शादी हुई, तस्वीरें दिखा रहा हूँ ग्वालियर से जहाँ बुद्ध रीति रिवाज से शादी हो रही है। तो ये बहुत जरूरी है बहुजन समाज के। ये देखिए ढोल नगाड़े की आवाज है और बाबा साहब भैया उठाना यार, सर मार रही है, बाबा साहब की तस्वीरें हैं और ये तथागत बुद्ध की तस्वीरें हैं। दुल्हन आने वाली है और बौद्ध रीति रिवाज से शादी होगा। सर, ये आप दोनों लोगों का फैसला था कि बौद्ध रीति रिवाज से शादी हो, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों का फैसला था? दोनों परिवार का फैसला था। आप क्या हुए लड़की के? हम लड़की के ससुर। अच्छा, देखिए दोनों तरफ से फैसला था। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बुद्ध रीति रिवाज से शादी हो रही है। बनते हैं हमारे साथ और बाबा साहब की तस्वीरें और समाज बदल रहा है। देखिए शादी होने वाली है, अच्छा सजा हुआ है पंडाल, कुछ ही देर में लड़की जो आने वाली है, लेकिन मैं इसीलिए सिर्फ शादी को देखने आया हूँ कि कैसे बहुजन समाज बदल रहा है और बुद्ध रीति रिवाज से जो है ये शादी हो रही है।
तथागत बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर है। रीति रिवाज से शादी हो रही है, तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मानते हैं पूरा प्रचार सजा हुआ है। समाज इस तरह से भोजन समाज बदल रहा है, तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लड़का पक्ष लड़के लोग हैं, उनके घर वाले हैं और तस्वीरें दिखा रहा हूँ मुझे। डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध रीति रिवाज मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये जानने में है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो किस तरह से बहुजन रीति रिवाज से जो है भैया भैया समाजवादी थोड़ा मेरा मध्य समाज समाजवादी तो ये शादी दिखा रहा था आपको मैं ग्वालियर से, जो लोग रीति रिवाज के हिसाब से बहुजन समाज के लोग शादी कर रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कहते हैं कि कन्यादान नहीं हो सकता क्योंकि दान की दी हुई वस्तु वापस नहीं आती है, इसलिए कन्या के लिए अपन कन्या समर्पण होता है। उनके माता पिता कन्या के माता पिता ने अभी तक क्षेत्र में गलती जिम्मेदारियां निभाई है, बिना क्रम कांड के ये शादियां हो रही है और बहुजन समाज बदल रहा है। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, संत कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, ग्वालियर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।